साले साले आप भी कमाल करते हैं मंदिर में। कल जब हम आपके घर आपसे मदद मांगने आए तो आपने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला और आज आपने किसी को मदद करने आ गए। आपके खेल तो खत्म ही नहीं होता, कहाँ से कुछ क्या आगे खेल तो हमें जिंदगी सिखा। अगर उस वक्त हम तुम्हारे मुंह पर जगा तो वन मोर खेल से खेल तो हमें जिंदगी से। अगर उस वक्त हम तुम्हारे मुंह पर दरवाजा नहीं बंद करते तो हम दोनों फंस जाते। एक बार तुम्हारी मदद करते हैं फंस चुके, दोबारा बड़ी गलती नहीं करते। जब तुम सरदार जी बनकर हमारे घर पर आई थी तो अनंत जी ने तुम्हें और हमें बात करते हुए देख लिया। अनंत जी ने हमारे घर को जेल बना रखा है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, हम कब क्या करते हैं वो सब देखते हैं। इसीलिए हमें बीमारी का चित्र ना था, चुपके से तुम्हें हमने मैसेज किया पर इसीलिए हमें बीमारी का नाटक करना था। चुपके से हमने तुम्हें मैसेज किया, हमारे फोन के जरिए अनंत जी हम तक ना पहुंचे इसलिए हमने फोन भी घर पर छोड़ा। तुमसे मिलने के लिए हमें ये खेल खेलना पड़ा, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन फिर हमारे फोन के लिए आनंद जी अंदर ना पहुंचे हैं, फोन भी घर पर छोड़ा है। कौन बोले? हमारे फोन के जरिए आनंद जी हम तक ना पहुंचे इसीलिए हम फोन तक घर पर छोड़ रहे। तुमसे मिलने के लिए हमें ये झूठा नाटक करना पड़ा क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं। लेकिन हमें लेकिन हमेशा की तरह तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं है। हम जानते हैं आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करते क्योंकि आपके लिए तो जिंदगी का हर रिश्ता एक शौक है। तो बताइए मंदिर क्या चाहते हैं? विधायक जी की जिंदगी दाव पर रही है और अपने पति को बचाने के लिए हमें आपकी हर शर्त को और अपने पति को बचाने के लिए हमें आपकी हर शर्त को चुप क्यों है मंदिर? बोलिए क्या कीमत है? अपने पति के लिए हम कुछ भी कर सकते। राउंड रोले साइलेंस साइलेंस रोलिंग सर। अरे एक मिनट कार्ड बुलबुल का ट्रॉली लेना। लेफ्ट रोलिंग एक्शन। स्लो ट्रैक लाइंस। हम जानते हैं आप कोई भी काम बिना मतलब के नहीं क्योंकि आपके लिए तो जिंदगी का हर रिश्ता एक शौक है। तो बोली बदले में आपको क्या चाहिए? होल्ड ट्रॉली। किसी जिंदगी डाल सकते होल्ड लूज ट्रॉली रोलिंग एंड जल्दी ले रोलिंग एक्शन ट्रैक लाइन। सही है आपकी क्या कीमत? हम विधायक जी को बचाने के लिए कुछ भी करते। Keep looking. थोड़ा ट्रॉली मंदिर का सही डिफ्रिज आएगा क्या आज? नहीं सर डिफ्रिज नहीं है यहाँ पे। कुछ भी मांगे नहीं रखते ज्यादा है। हाँ वन बोर रोलिंग हमारी बस एक छोटी सी। चलो दोनों कैमरा टॉलिंग सर रोलिंग।
दोनों के हाथ पकड़ो। हाँ। दोनों का लुक नीचे, एक्शन पे मैं बोलूंगा, एक दूसरे को लुक पहले लाइन के लिए बोलता हूँ, रोल। रोलिंग सर। लेफ्ट पहले। लाइन। हाँ चलो लाइन कर लो एक बार। स्लो आराम से रोलिंग, पहले देखो मंदिरों को, रोलिंग एक्शन, हाथ हाथों को लो, अरे नहीं नहीं रुको, रोल, रोलिंग सो एक्शन, हाथों को लो, रोलिंग मंदिरों को लो, मंदिरों में रोलिंग मत कर रहे, सोच के रहो, बिल्कुल तुम जानते हो ना तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं, तुम जानते हो तो थाम लो, लुक नहीं आया कैमरे के अंदर, राइट ले, चलो दोनों डाले बोलो, लेफ्ट ले 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 ले, सेंड करना, हाँ जी जल्दी, हाँ जी अरे मत करो चिंता करो, रोल रोलिंग सर एक्शन, यहाँ से अनिल जी ने रिपोर्ट ओपन कट करो बस, बैंग बिल्कुल टर्न और टर्न पूरा टर्न पूरा टर्न ट्रॉली बैंग बिल्कुल ट्रॉली अरे चलो वहां से ला राइट टू लेफ्ट कट फुल कट पहले रोल लाइन थाम लो मेरा हाथ हाथों को लोग चलो ग्राथ पकड़ लिया और सब हो गया मतलब मंदिर जी आज तो पूरे यकीन है रोल एंड एक्शन ड्यूटी के बाद थोड़ा रोलिंग एक्शन गुरु लैंड लो इसका मतलब मंदिर जी एक्शन इसका मतलब मंदिर जी आपको पूरा यकीन है रोलिंग एक्शन फर्स्ट रोल कंटिन्यू Thank you.
थोड़ा थोड़ा और आगे थोड़ा लेफ्ट में ओवर राइट हाँ सर रोलिंग क्या हो रहा है मंदिरा आप बुलबुल से गार्डन में मिल रही हैं हाँ जैसे कि अभी हाल फिलहाल के टेलीकास्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि विजय जेल में है सो विजय पर झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि प्रभात भैया का मर्डर विजय ने किया है तो बुलबुल बहुत समय से प्रूफ ढूंढ रही है सो मैं बुलबुल को बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है सो बेसिकली मेरी शर्त ये है कि मैं विजय के साथ उस घर में रहना चाहती हूँ ये मेरी शर्त है सो अभी बुलबुल वही कंफ्यूज है उसने बोल तो दिया कि हम मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ आप बोलकर तो देखिए लेकिन अब यही सवाल है कि बुलबुल क्या ये मेरी जो शर्त है वो एक्सेप्ट करेगी क्योंकि मेरे अलावा विजय को कोई जेल से बाहर नहीं निकाल सकता तो वो हाथ पे हाथ रख के जो भी बातें हाँ। वो क्या बातें सो मैं उसको हाथ देकर उसको बोल रही थी कि तुम मेरा हाथ थाम लो क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मेरे अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है तो वो सोचती है और फाइनली वो मेरा हाथ थामती है लेकिन अभी तक उसको डिटेल में मैंने बताया नहीं है कि मैं क्या चाहती हूँ तो जब उसको बताऊँगी तो पता नहीं क्या रिएक्शन होगा उसका अच्छा अगर शॉर्ट में बताना चाहें तो एक बार फिर से बता दीजिए कि विजय जेल में क्यों एक्चुअली अनंत को जब ये पता चला कि विजय और मेरा पहले अफेयर था सो अनंत को ऐसा लगा कि विजय ने उसको धोखा दिया है तो इसीलिए अनंत विजय से बदला लेने के लिए कि तुमने मुझे धोखा दिया है विजय को प्रभात भैया के झूठे मर्डर केस में फंसा देता है और फिर मैं पूरे वक्त कोशिश करती हूँ विजय को बताने की लेकिन अनंत ने मुझ पर भी नज़र रखी हुई है कि कहीं मंदिरा उसके टूवर्ड्स वापस ना जा सके सो ये पूरा बदले के वजह से हुआ है अनंत को ये लग रहा है कि उसको धोखा दिया है मैंने और विजय ने मिलकर ओके थैंक यू थैंक यू